पहला कालम नए मकान का, पहला कालम जब भराता है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमर बेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर, उसका पूजन कर पहले कालम के अंदर, जो पहला कालम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है, कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है, उसको भी। इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। चार लोहे की कील, नागफणी कील वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे, क्षमा याचना, परम आभूषण है क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो, हो गई गलती हो क्षमा, हम क्षमा मांगो। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर, गलती हो गई,